हाय पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। आज मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और अपने थॉट्स और व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पूरी वीडियो देखना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। किसी ने पैदा होने पर मारा तो किसी ने पैदा होने के बाद, किसी ने दहेज के लिए मारा तो किसी ने बलात्कार के बाद, कुछ मिनटों की हवस के लिए तूने बच्चियों पर वार किया, खुद की भूख मिटाने के लिए तूने कैसा अत्याचार किया। फिर भी नारी चुप है, न जाने उसे क्यों है जमाने की फिक्र, जबकि यहाँ कोई नहीं करता उसके ऊपर हुए अत्याचारों का जिक्र। बोझ जितना भी हो नारी अकेले उठाती है, खुद जितनी भी दुखी हो सबको ठीक बताती है। फिर भी नारी को देखकर न जाने तुम्हारा मन क्यों मचलता है, इस धरती का हर एक मनुष्य उसकी गोद में ही तो पलता है। सबकी बेटी प्यारी हो, हमारी हो या तुम्हारी हो, बलात्कारियों को गोली मारो, मौलवी हो या पुजारी हो। फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है कि लोग कहते हैं कि लड़कियों के रेप होने की वजह क्या है, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी लेट नाइट आउटिंग, उनके बहुत सारे मेल्स फ्रेंड्स। नहीं, क्या आप ऐसा मानते हो? कल 4 दिसंबर को एक 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, वो भी राजस्थान में। और उसके रेप के बाद उस लड़की को एक ड्राई वेल में फेंक दिया गया। ठीक है, ड्राई वेल में फेंक दिया गया उस लड़की को। अब बताओ कि 8 साल की बच्ची को ड्रेसिंग सेंस के बारे में क्या नॉलेज होगी? वो लेट नाइट आउटिंग तो करने गई नहीं होगी। फिर भी लोगों का कहना होता कि नहीं, ज्यादातर लड़कियों का रेप इसी वजह से होता है, उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं होती है, वो लेट नाइट आउटिंग करने जाती हैं, उनके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स होते हैं। मीन्स आप कुछ भी बोलोगे लड़कियों के बारे में, कुछ भी बोलते जाओ, नहीं, लड़कों पे कभी दोष नहीं लगाओगे किसी एक जाके। जैसे मैं, चलो आज एक मुद्दे पे बात करते हैं, रूह से नहीं तुम्हें जिसमें से अज्ञात करते हैं। उन झुलसते हुए दिनों की नहीं, उन अंधेरों में कुचलती रातों की बात करते हैं। नारी का शोषण नियमित रूप से जारी है, यह भी संसार में लाइलाज भयानक महामारी है। चीखे रोज समाचार में बन रही है फसाना, काम हो गया है मीडिया का मजे ले लेके दिखाना। कुछ तो करके शोषण दिखाते बड़ी बुरी हैवानियत, पता नहीं क्या बाकी रह जाता छीन कर कपड़े इज्जत। लगता नारी का जन्म लेना ही बन गया इस जहां में अपराध, शोर तो मुंह से बहुत हो रहा पर जमीर की ना उठती आवाज। यार गाइस, एक मैसेज देना चाहती हूँ लड़का लड़के को भी और लड़कियों को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो गाइस, लोगों की बातें मत सुनो। लोग आप जितने भी अपनी बातें होंगी, लाइक बॉडी शेम करते हैं, अब्यूज करते हैं, जो करने दो, आप अपने आप को जानते हो कि आप कैसे हो। और जो लोग ये सब बोलते हैं ना, जनरली इनको कोई काम नहीं होते, ये लोग इतने वेले होते हैं कि ये बाकियों को जज कर पाते हैं। बाकी आप अपनी लाइफ से प्यार करो, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ से प्यार करोगे आपको बाकियों की चीज़ें इफेक्ट नहीं होंगी। बट जब आप लोगों के बारे में सोचोगे कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ आपको डिप्रेशन में डालेगी, बहुत डिप्रेस कर देगी। तो नहीं बोलना चाहूँगी, अपने आप से प्यार करो, जैसे आप हो वैसे हो, जैसा भगवान ने बनाया वैसे बनाया। लोगों का काम है बातें करना, वो करेंगे, बट अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपना एम बनाओ, अपना फ्यूचर ब्राइट करो। तो थैंक यू, आई होप आपको मैसेज अच्छा लगाओ तो शेयर जरूर करना। सो एट लास्ट यही मैसेज है हम सब की तरफ से कि इंसानियत दिखाएं, हैवानियत नहीं, इंसान बने हैवान नहीं। Because being human is given, but keeping our humanity is a choice. Thank you so much.